भाई जनता, क्या हाल है सभी के? यार मैं बिल्कुल बढ़िया, रोहू करता हूँ कि आप भी बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज है तारीख 18 जुलाई एंड टाइम हो रहा है अभी 9:30 के आसपास। तो होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और एक सीन है कि आज हम निकलने जा घूमने जा रहे हैं, तो बता देंगे आपको कहाँ जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, इट्स अ फिल ब्लॉग एंड स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार मेरी यूट्यूब की दुकान पर। एंड बस यही है फिलहाल अभी के लिए। अभी रेडी हो रहे हैं हम सभी, 9:30 बजे तक निकलना है। अभी 9:18 हुए हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है ट्रिप। और बाहर मौसम बारिश वाला है, सो होप कि अच्छा जाएगा, लेट्स सी। सभी हम यार अवा देवी पहुँच गए और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, देख सकते हो। रुको मैं दिखाता हूँ अभी आपको, बारिश कंटिन्यू लगी हुई है अभी भी। होप करते हैं कि यार ये जल्दी ख़त्म होगी। देखो ए तो इधर अभी सभी राइडर्स ने तेल भरवा दिया है। ये विनु भाई, ये पहाड़ों के शायर। सो गाइस, राइट नाउ वी आर एट डोमिनोज मंडी। और इधर अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हम लोगों ने, और बाकी सारे भाई बंधु इधर ही बैठे हैं। और बाकी जो दो लड़के थे वो आगे निकल गए हैं, तो अब वो हमारा वेट कर रहे हैं। तब तक के लिए हमने पिज़्ज़ा मंगवाया इधर, तो पिज़्ज़ा खाएंगे और उसके बाद दिखाता हूँ आपको कि आजकल क्या चला हुआ है। देख सकते हो आप, कोरोना की वजह से आप यहाँ पर ना बैठ सकते हैं। और इधर इन्होंने सब सभी पे असर किया, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, उस वाले पे भी, उस वाले पे भी। और इधर भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग है, देख सकते हो आप ऐसे साथ में नहीं बैठ सकते। सो बस यही था। और अभी सुंदरनगर से जाके आए हम, वहाँ से थोड़ा सामान आया, टेंट वगैरह, बस अभी के लिए यही। बाकी जो होगा देख लेंगे। और एक स्कैम और हो गया कि जो मेरा पर्स था वो वहीं पर छूट गया है। और अब है इनके पास, पैसे की बात नहीं है लेकिन पर्स छूट गया, बुरा लगता है कोई चीज़ पीछे छूट जाए। तो बस यही है, बाकी देखते हैं अब। ले आ भाई ले आ, बहुत जल्दी आ गया, पता नहीं बीच में ऑर्डर नहीं। A few moments later। और भाई कैसा फील आ रहा है? चार महीने के बाद पिज्जा खा रहे हैं आप, कैसा फील आ रहा है? आनंद आ रहा है। अच्छा इन्होंने तो खाया था। आपका कैसा फील है भाई? थम्स अप। वांटेड यू। 5:15 हो चुके हैं और हम बहुत ही प्यारी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं अभी, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो। तो आप एक बार इनको दिखा दीजिए लोकेशन सारी, बहुत ही प्यारा व्यू है। अभी तकरीबन हम 13-14 किलोमीटर नीचे हैं उस लेक से जहां हम जा रहे हैं, प्राशर लेक, प्राशर ऋषि लेक। तो बस जैसे पहुंचूंगा वैसे वीडियो बन जाएगी और ब्लॉग में आपको, आपने देख ली होगी। और बस यही है अभी के लिए। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं पराशर, और इधर अपना टेंट सेटअप हो रहा है। सारे लौंडे लोग इधर अपने अपने मजे ले रहे हैं। अरे देखिए, काफी बढ़िया व्यू है यार, काफी बढ़िया। फाइनली अपना टेंट सेटअप हो चुका है पूरा, और 3 टेंट अपन लोगों ने लगा दिए, 1, 2, 3। और भाई साहब ऐसा व्यू है ना भाई, पूछो मत यार, पूछो मत, एक बार आप खुद ही देख लो।
गुड मॉर्निंग एक बार फिर से एक ही ब्लॉग में दो बार गुड मॉर्निंग। और अभी 6:30 का टाइम हो गया है और उधर से सूरज निकलेगा उसका इंतज़ार किया जा रहा है। और साथ में मैं उठ गया था तकरीबन 5:45 तक, बढ़िया थोड़ा टाइम स्पेंड किया अपने साथ और काफ़ी बढ़िया व्यू है यार, एक बार देख लो। अभी थोड़ा मूड फ्रेश नहीं है, मैंने उठते ही कैमरा उठा लिया था। यार भाई अभी हो रहा है बहुत ही प्यारा सनराइज़ और टाइम लैप्स की वीडियो आपने देख ली होगी और बहुत ही प्यारा व्यू है। और ये मेरे को मारने के लिए आ रही है फिर से, भाई रुक जा। A few moments later. और वहाँ से सूर्य उदय हुआ और वहाँ पे सारी जनता, यहाँ पे अपने टेंट। यार भाई काफ़ी अच्छा व्यू है, जितना भी लॉकडाउन का पूरा था 2-3 महीने का वो सब कुछ बाहर निकल गया, जी ली मतलब ज़िंदगी फिर से जी ली एक बार हमने। और बस यही है, अब हमने शाम को मंदिर विज़िट नहीं किया था तो अभी हम जाएंगे फ्रेश होके थोड़ा मंदिर के लिए और वहाँ से भी सीन्स कैप्चर करूँगा, वो वीडियो में डाल दूँगा जो कि आप देखोगे इसके बाद। पहाड़ी और को चढ़ना तुम आगे पीर बार नहीं चढ़ रहे थे, मैं तो बड़ा घास ही ये चढ़ी रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आया। सो अभी हम कैंपस में पहुंच चुके हैं, मंदिर के साथ में मंदिर है देख सकते हो। भाई अभी हमने सारे दर्शन वगैरह कर लिए इधर मंदिर के और अभी फोटोग्राफी चली हुई है थोड़ी पीछे और इसके बाद बस यही है यार। अब मैं एक चक्कर झील का लगाऊंगा और उधर ऊपर जाऊंगा, दिखाता हूँ उधर जाएंगे हम ऊपर उधर, ठीक है। बाकी एक बार आप कैंपस का व्यू ले लीजिए। बस यही है अभी के लिए, मौसम भी ठीक है, धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है, सिर्फ बादल हैं। बस ये अभी के लिए। तो भाई अभी हम कर रहे हैं परिक्रमा, जो यहाँ पे लेक है पराशर ऋषि जी की, पराशर लेक के नाम से इसको जाना जाता है। और अभी हम इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से पूरा पीछे 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 करके और फिर से यहीं पर, पर उसके बीच में हम उधर ऊपर जाएंगे पहले,
तो लेके चलते हैं आपको उधर उधर उधर। गर्ल्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ऊपर जाके व्यू दिखाऊंगा, तो मैं अभी उसी पहाड़ी पे हूँ और इधर से काफ़ी सही व्यू आ रहा है यार। एक बार आप देख लो अपनी आंखों से और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, मतलब यहाँ का व्यू कैसा था और आपका क्या मन करा, क्योंकि मैं भी काफ़ी लॉकडाउन के 2-3-4 महीने के बाद घर से बाहर निकला और भाई पूछो मत यार, एक बार आप व्यू का नज़ारा ले लो। बाकी आगे सफ़र में मिलते रहेंगे, अभी घर वापस लौटना है तो देख लेंगे, लेकिन एक बार आप व्यू का नजारा ले लो। सो अभी दर्शन वगैरह पूरे कर लिए हमने, तकरीबन 1-1.5 घंटा इधर ही स्पेंड किया, अब बस सब निकल रहे हैं यार। सो मैं होप करता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बस यही है। प्लीज़ मेरे भाई का जो वीडियो है प्राचल का, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू। बस यही है, जनता प्यार देते रहें और वीडियो बनाते रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ़।